नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 6 अगस्त है। 6 अगस्त की बड़ी छोटी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। पहला खबर मैं आपको बता दूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद कल समाप्त हुआ और पीएम मोदी ने जाकर पूजा अर्चना की और मंदिर बनाने का शिलान्यास किया। पूरे भारत के लोगों ने दीप प्रज्वलित कर उत्साह के साथ इस दिन का आनंद उठाया और 500 साल पुराना विवाद जो मंदिर बनाने का चल रहा था उस पर विराम लगा। पीएम मोदी सहित मोहन भागवत और आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद आज सफलता मिली है कि आज इस भूमि पर मंदिर बनाए जाने की बात संपन्न हुई। कोर्ट के आदेश संवैधानिक तौर तरीका हर प्रकार के संवैधानिक नियमों और लोकतंत्र और प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए आज मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ और सारे समुदाय के लोगों ने खुशी खुशी मंदिर बनाने के लिए सहमति जताई और 500 साल पुराना संघर्ष समाप्त हुआ। अब मैं बात करूं कोरोना की, तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। लगातार अधिक से अधिक जांच किए जाने का यह परिणाम है कि आज तेजी से कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। भागलपुर के डॉक्टर की मृत्यु कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद हो गई। और अगर मरने वाले की संख्या की बात करते हैं तो 369 मरीज अब तक बिहार में मर चुके हैं। और संख्या की बात अगर करते हैं तो 64,732 मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और कल रिकॉर्ड तोड़ जांच हुई, 52,000 से ज्यादा जांच हुई जिसमें 2,000 से ज्यादा मरीज मिलने की भी बात कही गई है। उधर अगर आंकड़ा की बात करते हैं तो अररिया में 33, अरवल में 28, औरंगाबाद में 42, बांका में 20, बेगूसराय में 84, भागलपुर में 99, भोजपुर में 90, बक्सर में 41, दरभंगा में 49, गया में 76, गोपालगंज में 30, जमुई में 29, जहानाबाद में 85, कैमूर में 14, खगड़िया में 23, किशनगंज में 37, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 90, मुंगेर में 64, मुजफ्फरपुर में 92, नालंदा में 76, नवादा में 21, पूर्णिया में 65, रोहतास में 66, सहरसा में 35, समस्तीपुर में 72, शेखपुरा में 38, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 40, सीवान में 48, सुपौल में 63, पश्चिम चंपारण में 52। और कटिहार की बात करें तो कटिहार में 196 कल मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 103, सारण में 164 मामला निकल कर सामने आया। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि होने के कारण लॉकडाउन सख्ती से पालन प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। चारों ओर इस कोरोना काल में ही कम से कम 65,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। एक दिन के विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव ने जमकर यह बात उठाया था विपक्ष के नेता होने के नाते कि नीतीश कुमार जी, आप घर से बाहर निकलें और बाढ़ पीड़ितों का जायजा लें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा हवाई सर्वेक्षण किया और दरभंगा में लैंड करके वो बाढ़ प्रभावित के बीच में गए और स्कूल में बाढ़ प्रभावित के लिए जो खाना बनाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, जायजा लिया और पदाधिकारी को भी निर्देश दिया कि आप इन सारे बाढ़ पीड़ितों को मदद करें और निर्देश भी जारी किया। अगली खबर मैं आपको बताऊं कि भारत में करीबन 19,00,000 को पार कर चुका है कोविड-19 के मरीज।
उधर आपको मैं बताऊं कि घर में मनिहारी मलिक नगर क्षेत्र में सोए कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल के एक युवक को तेज हथियार से हत्या कर दिया, जिससे काफी खलबली मच गई। मनिहारी की यह दर्दनाक घटना है। और सुशांत सिंह मामले में तेजी दिखाते हुए नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी और लंबी मांग चल रही थी, इसके बाद फटाफट केंद्र सरकार ने भी सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। अब सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच होगी। ईडी रिया चक्रवर्ती की खोज कर रही है, उसे नोटिस किया है, जांच के लिए बुलाया है। साथ ही साथ विनय तिवारी को, जो आईपीएस अफसर हैं, उन्हें महाराष्ट्र में क्वारंटीन कर दिए जाने के मामले में भी कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है और कहा यह अच्छी परंपरा नहीं है। अब तय हो गया कि बिहार के सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था, इस मामले को अब दबाया नहीं जा सकता। 2019 के जो यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राएं थे, उनकी रिजल्ट आ गई है, जिसमें उत्तीर्ण हुए 829 छात्र और छात्राएं, जिसमें 197 केवल महिलाएं हैं जो यूपीएससी में उत्तीर्ण हुई है। एक नालंदा की लड़की पास की सपना कुमारी और वहीं भागलपुर के एक लड़के हैं अनुपम, ने भी यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अब आप इससे कह सकते हैं कि 19 के रिजल्ट में 829 में 197 महिलाएं उत्तीर्ण हुई है। इसी प्रकार मैं बताऊं आपको कि खगड़िया जिले के गंडक में नदी में नाव उलट जाने से तेज आंधी आई और नाव उलट जाने से 8 महिला और पुरुष की मृत्यु हो गई। तेज आंधी में के लपेटे में आने से मृत्यु होने की खबर फैल गई। काफी खोजबीन के बाद लाश को निकाला गया। चारों ओर बाढ़ की विभीषिका है, कोरोना की मार है, और इस कोरोना और विभीषिका बाढ़ के होने के बीच अब आप कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का भी विवाद समाप्त हुआ, मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। दोस्तों, सुरक्षित रहें, सचेत रहें, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कोरोना से बचने के लिए उचित सारे उपाय का पालन करें। धन्यवाद।